जाओ जी, सब तो वड्डा फर्ज है हुजूर दी इज्जत, सब तो वड्डा फर्ज हुजूर दी इज्जत ही तसी कि नमाज नमाज दे विच सहाबा हुजूर नु वेखण लग पए। ये वड्डा फर्ज थी सी कि सिद्दीक अकबर पीछे हटाए, ये वड्डा फर्ज है ऐसी ते सहाबा कहण लगे ना इंजन करके पीछे आओ जनाब हुजूर आ गए। हाँ ये सारे फर्जा तो वड्डा, ये वड्डा फर्ज है हुजूर दी जात ही ते है कि उस्माने गनी नु हुदैबिया दे मकाम तो जदों मुज़ाकरात करन आए ते मुशरिकीन मक्का आप दे बड़े बड़े जड़े मुशरक सन हजरत उस्मान दे रिश्तेदार सन ते हुजूर ने भेजा ही इन्हां नु तां सी भई उस्मान नाल ज़्यादती कोई नहीं करेगा इन्हां दे वड्डे वड्डे रिश्तेदार। ते हजरत उस्मान ने गनी दे रिश्तेदार कहण लगे उस्मान नबी ते तेरे नहीं आ सकदे, ऐ काबा खड़े ऐ आबे जमजम ऐ सफार मरवई ऐ मकाम इब्राहिम ऐ हतीमे काबे ऐसी काबे दा दरवाजा खोल दें अंदर चला जा। उस्मान ने गनी फरमान लगे मैं जान दो उस्मान खड़िया तुहाडे सामने, ये उस्मान खड़िया कोई चौदहवीं सदी का मुसला थोड़ा खड़िया, क्यों जी हाँ ये उस्मान खड़िया। फरमाया उस्मान जब तक हुजूर नहीं आएंगे काबे का तवाफ नहीं करेगा, काबे के अंदर भी दाखिल नहीं होगा और जनाब सफा और मरवा के दरमियान भी नहीं जाएगा और हजरत असद को भी नहीं चूमेगा उस्मान। हुण समझ आई गल, सब तो वड्डा फर्ज के वे बुखारी शरीफ मौजूद है कि जदों उस्माने गनी उत्थे चले गए ना तो बाद कुछ सहाबा ने आपस गल्लां कीतियां उस्मान कितना खुश नसीब है आबे जमजम पी रहा होएगा फलान पी रहा होएगा। जब उस्माने गनी वापस आए ना तो आपने फरमाया ओए बड़ा गलत तुसी मेरे बारे सोचा, फरमाया ये तो चंद दिन सन ना उस्मान साल भी मक्के च रहिंदा ते हुजूर तो बगैर काबे दा तवाफ नहीं सी करदा। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज नामूस पर नहीं, हुजूर आराम फरमा रहा है मौला अली इंज भी नहीं किया नमाज असर जा रही। आला हजरत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज जान तो जान फरूज़े गुरर की है। फरमाया इधर नमाज दीती हुजूर दी नींद उत्ते सिद्दीक अकबर जान दे दीती, सब तो वड्डा फर्ज है जान बचाना, फरमाया ये जान दे दीती, हाँ तूने इन्हें जान दी इन्हें फेर दी नमाज। मौला अली वास्ते हुजूर ने सूरज वापस लुटा दिता और सिद्दीक अकबर जिथे जहर सप लड़े अपना लुआबे दान लाया और सब जहर का असर मुक गया। हाँ तूने इन्हें जान दी इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर्त की है। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर हो, क्यों जी मौला अली किसी को फतवा पूछे सी पहले, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। एक किसी हदीस की किताब तो कुरान इज नहीं सी मेरे नबी सुते होवन ते नमाज का टाइम आ जाए तो फिर एक तरफ मेरे नबी की नींद होवे तो एक तरफ नमाज होवे तो नमाज मुअख्खर करके मेरे नबी की नींद उत्ते तरजीह देनी, ये मौला अली दे अपने इश्क का फैसला सी। एक किसी हदीस की किताब नहीं किसी कुरान की किताब, बल्कि कुरान तो मौजूद है खंजीर भी खाना पवे जान बचाने वास्ते बकदरे जरूरत है वह भी खाया जा सकता गैर अबाग, क्यों जी फमन तुर्रा गैर अबाग वलाद फला इस्मा अलै, यहाँ तो कुरान ने कहा उस पर कोई गुनाह, जान बच जाए खिंजीर का टुकड़ा भी खाना, हालांकि वह नजसुलैन है लेकिन इसके बावजूद सिद्दीक अकबर मैं गार दे विच हुजूर को जगा के मसला नहीं पूछा, हुजूर सप लड़ रहा है ठूए लड़ रहा है इजाजत होवे तो जान दे देवा। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है।